पिछले साल सर्दियों से ठीक पहले दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी में हुए डिमोलिशन ड्राइव के दौरान कई परिवार विस्थापित हो गए। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी निगरानी में इस डिमोलिशन को किया था, कहता है कि अधिकारियों ने सभी विस्थापितों के रहने का पूरा इंतजाम किया है। गोन्यूज़ ने इस दावे की जाँच की। दिल्ली के पटेल नगर और शादीपुर मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो के पुल से थोड़ी दूर एक दूसरा भारत बसता है, जिसे मेट्रो की तरह आधुनिक बनाने के लिए पिछले साल अक्टूबर के महीने में तोड़ दिया गया। करीब 13 एकड़ में फैली जमीन पर पिछले साल 30 अक्टूबर तक करीब 4000 परिवारों की कठपुतली कॉलोनी थी, लेकिन आज ये कुछ ऐसी नजर आती है। इस जमीन पर कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले परिवारों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। 31 अक्टूबर को DDA द्वारा जारी डिमोलिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे के बाद करीब 53 घर टूटने से बच गए थे। इनमें से एक घर नीसा बेगम का भी है, लेकिन वो कहती हैं कि DDA ने उनका नाम उन परिवारों की सूची में डालने से इनकार कर दिया जिन्हें यहाँ फ्लैट मिलेंगे। यही हाल कठपुतली कॉलोनी के त्रिभुवन का भी है, जिनका नाम 771 परिवारों की उस सूची में डाला गया है जो फ्लैट मिलने के लिए अयोग्य है। मैं यहाँ पे से ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट हो चुका हूँ। अब मेरा नाम इन्होंने 771 वाली लिस्ट में नाम डाल दिया है। कहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स गलत है, आप इसका प्रूफ दिखाइए। प्रूफ दिखाने पे ये मानते नहीं कि बात ही करने के लिए राजी नहीं है। कठपुतली कॉलोनी के राम दुलारे वर्मा DDA की 3 सूचियों के मसले को समझाते हैं। जिन्होंने 3 लिस्ट बनाई थी, एक 2800 की लिस्ट जिनको इन्होंने बोला था कि 2800 को कठपुतली कॉलोनी में कर देंगे। दूसरा लिस्ट इन्होंने बनाई 492 की, जिन्होंने नरेला का नाम नहीं था, अब उन्होंने नरेला भेजना शुरू कर दिया जबरदस्ती लोगों को। तीसरी लिस्ट इन्होंने बनाई थी 771 की, जिसको 9 झुग्गी 9 घर बता के इनको कैंसिल कर रहे हैं, जबकि लोगों का घर आज भी खड़े हैं। ये वो 771 परिवार हैं जिनके पास अब रिहायश के लिए न जमीन है, न सर पर छत, न बिजली और न शौचालय। इनमें से कई परिवार सरकारी स्कूल के प्लेग्राउंड में टेंट बनाकर रह रहे हैं, तो कई परिवार पुल के नीचे। इन सब का असर यहाँ पर रह रहे बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा है। मेरा बोर्ड का एग्जाम था, तो इस कारण मैं झुग्गी टूटने के कारण मैं स्कूल नहीं जा पाया, तो मैं मतलब 2 महीने तक स्कूल नहीं जा पाया। फिर क्या हुआ, फिर सब स्कूल गए तो? मैं 2 महीने बाद स्कूल गया तो मेरा नाम काट दिया गया। बसंती को अपने हाल पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो बताती हैं कि कठपुतली का नाच दिखाने के लिए उन्हें देश विदेश से बुलावा आता है, लेकिन अपने देश में ही उनके पास रहने के लिए छत नहीं है। लेकिन मैं 15 साल की थी ना, जब हमारे कला सीखी थी, जब कला पेश करने के लिए देश विदेश, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, वो भी चीज हमने कोई खोना नहीं छोड़ा हम लोगों ने। और हमारे लोगों की आज देखते हुए तो इतना रोना आ रहा है कि हमारा तो जाता नहीं, बाकी रहता नहीं। इन विस्थापित परिवारों के लिए आखिरी उम्मीद कोर्ट है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 7 फरवरी है। नमिता सिंह, गो न्यूज़।